पेपर्स कवर किया होगा टेस्ट में पेपर से जैसा हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो इस टेस्ट के बेनिफिट ये है जितने भी सेंटर से पढ़ा सभी को हो रहा है तो आप सभी बच्चों से कंपेयर कर सकते हैं अपनी स्थिति को जान सकते हैं आपको क्या कंडीशन बनती है और लाइव होने का बेनिफिट होगा तो फ्यूचर का आपको चाहिए डिस्कशन देखने आप अभी आप दे सकते हैं बेनिफिट आपके इसके साथ इन द सेंस कि आप तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कभी भी फ्यूचर में आपको नीड होगी इसकी तो आप लाइव है यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको तो बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा जी इसको तो जैसे आप लोग ज्योग्राफी के टेस्ट दिए हो लास्ट संडे उनमें क्वेश्चंस जो है तो कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से जुड़े थे करंट अफेयर के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी थे पेपर है आप लोगों के पास है क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन में हम लोग अपने सामने पेपर डिस्कस करना ज्यादा चाहते हैं हमारे Consider the following statement in the context of Arunachal Himalaya. In the context of Arunachal Himalaya. First statement is, the general direction of this mountain range is from northeast to southwest. Second statement, this region is rich in biodiversity. Third statement, the practice of chewing is prevalent and commonly in this reasons. Questions कर रहे हैं अरुणाचल हिमालय. This side is northeastern part of India. This is Arunachal Pradesh. ठीक. अरुणाचल हिमालय. ये direction. ध्यान दीजिए. Direction ये. Question में क्या है? First statement क्या कह रहा है? The general direction of this mountain is north east to south west. North east to south west. ये क्या रेशन है? North east to south west. ठीक. Second रेशन क्या कह रहा है? This region is rich in biodiversity. South west में. ठीक है. This region is rich in biodiversity. और एक है द प्रैक्टिस ऑफ ज़ूमिंग इज द प्रिवेलेंट कॉमन इन दिस रीजंस लेकिन बायोडायवर्सिटी एक तो फर्स्ट पॉइंट से करेक्ट है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट क्लियर समझ रहे हो सेकंड स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है रिच इन बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनफॉल एंड टेम्परेचर मींस दिस रीजन इज हेवी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल एरिया और अधिक तापमान अधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जीव विविधता बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है इसका अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है झुमी ये आपको ट्राइबल रीजन से ट्राइबल पॉपुलेशन से ट्राइबल पॉपुलेशन रीजन में शिफ्टिंग कल्टिवेशन से शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एग्रीकल्चर हो रहा धीरे धीरे क्या होता है कि ट्रेडिशनल पैटर्न से एग्रीकल्चर के कारण उस रीजन की प्रोडक्टिविटी में कमी आनी शुरू होती है डिक्रीज करते हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब प्रोडक्शन में कमी होने के कारण वहाँ की जो कम्युनिटीज है जो पीपल्स की कम्युनिटीज वो शिफ्ट करती है किसी और रीजन से जहाँ पे जाकर फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग करती है तो ये कंडीशन भी इसी में झूमिंग के नाम से आते हैं ये कंडीशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ट्राइबल पॉपुलेशन होने की वजह से इसका मतलब इस क्वेश्चन के जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है इसका ना डायरेक्शन सही है इसका साउथवेस्ट टू नॉर्थवेस्ट नॉर्थवेस्ट टू साउथवेस्ट सर एक्सप्लेनेशन बात है ये छोड़िए सर क्योंकि हिमालय रीजन है तो हाई टेंपरेचर कैसे होगा हाई टेंपरेचर इन सेंस कि इनकंप्लीटली ये आपको हायर लैटिट्यूड पे नहीं है हाई प्रेशर की बहुत अधिक नहीं है
मोर हाई टेम्परेचर्स भी नहीं है तो टेम्परेचर यहाँ पर बहुत अधिक नहीं होता है मोर वार्मर रीजन्स नहीं है लेकिन कम्पलीटली अदर रीजन्स टेम्परेचर है क्योंकि क्लोजनेस इक्वेटर से बहुत होती है साथ ही इसकी हाई एल्टीट्यूड भी कम है लो एल्टीट्यूड माउंटेन है इन कंपेयर टू वेस्टर्न साइड डेली साइड में इसकी तुलना में हाइट कम होती है थोड़ा सा टेम्परेचर हैवी रेनफॉल भी बायोडायवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर जो है हैवी रेनफॉल इम्पैक्ट अगर हैवी रेनफॉल का रीजन से सो दिस इज व्हाट द बायोडायवर्सिटी होगी सर हैवी रेनफॉल होता तो क्रॉप्स तो होने ही चाहिए उनको ये कंडीशन ट्राइबल पॉपुलेशन होने की वजह से डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी की सोसाइटी से इस तरह देखे हुए थे ठीक है तो ये कैसे इसमें ऑल थ्री है करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Consider the following statement. Question number 7. They are valid for a period of 10 years and cannot be renewed. Statement is there. Then second statement is Basmati rice. The GI tag. Geographical tag is to pass. Third statement is the lasan of onions. This is the GI tag. The third statement is the So, the first statement is the GI tag. ज्योग्राफिकल टैक्स किसको कहते हैं एनी आइडिया एनी क्लूज देखिए ज्योग्राफिकल टैक्स जो किसी के लिए कुछ ऐसे क्रॉप के लिए जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रीजन की क्वालिटी होती है पर्टिकुलर एक रीजन में वो क्रॉप बहुत ही बेनिफिशियल हो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो या उसकी क्वालिटी होगी उसी को उसको हम लोग ज्योग्राफिकल टैग का आपको एक टैग दिया जिससे एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जी आई टैग दिया गया दार्जिलिंग टी को फर्स्ट जी आई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था तो दार्जिलिंग टी को फर्स्ट जी आई टैग दिया गया था इसी तरीके जो बासमती राइस है इसको भी जी आई टैग मिला हुआ है और ऑनियन जो है लास्ट लॉन्ग इसको भी जी आई टैग मिला हुआ है तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है They are valid for 10 years, correct? Cannot be renewed. ये statement गलत है. इनको renew कर सकते हैं. Means आप जितनी बार भी चाहिए आप renew कर सकते हो. सरकार ने ये statement कि 10 वर्षों के अंदर ये मान्य है, लेकिन इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता. नहीं किया जा सकता ये गलत है. तो ऐसे तो means ये renew हो सकते हैं आप जितनी बार भी चाहो. जैसे एक बार हमने जेटे ले लिया, बासमती राइस में ले जेटे. 10 ईयर तक वैलिड है वो नेक्स्ट ईयर फिर आप कंटिन्यूस करा सकते हैं इसको कंटिन्यू कर सकते हैं मींस इसमें रिन्यूअल की कंडीशंस होती है तो ये इसको इसका अर्थ हुआ इसमें स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है 2 एंड 3 इज करेक्ट समझ में दो और तीन सही हुए तो स्टेटमेंट 1 है ये आपका रॉन्ग है गलत समझ में क्वेश्चन Caucasus Mountains, Appalachian Mountain, and Prince Charles Mountain. ठीक है ना? कौन इसमें से matching सही है? इसकी quality match चाहिए इसमें से. तो Caucasus Mountain. Caspian, Caucasus Mountain between Europe and Asia. यहाँ पे क्या देगा? Eastern Africa. Means ये wrong होगा. Correct match है. सेकेंड दे रहा है अपलेशियन माउंटेन वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका नहीं है वो ईस्टर्न पार्ट है ये भी गलत है थर्ड है
प्रिंस चार्ल्स माउंटेन अंटार्कटिका ये अगर करेक्ट है जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे सिचुएट है कॉकेशस से दोबारा बता दीजिए कॉकेशस माउंटेन जैसे यूरोप दिस साइड यूरोप एंड एशिया कॉकेशस बिटवीन यूरोप एंड एशिया नॉर्थ साइड कॉकेशस आउटर पार्ट ऑफ एशिया यूरोप और एशिया के बीच में मींस जो स्टेटमेंट आपके पास क्या है कॉकेशस माउंटेन इन ईस्टर्न अफ्रीका हुआ आपका वनली थ्री चौलीस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रन क्वेश्चन नंबर नाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रन ऑफ कच्छ has a wide as sanctuary. Statement 2, Jalpara is a biosphere reserve. Statement 3, Namdapa National Park is known for land conservation. Statement 4, Gandhi National Park is known for tiger reserve. A question is, which of the above statement are correct? Now, the first statement is, Run of Kutch has a wide as sanctuary. In Gujarat, this region is called Run of Kutch. Run of Kutch are famous for wide as. Basically, salty desert region is called. And these regions are wide as famous. Means, statement 1 is correct. Second statement is Jalpara is the biosphere reserve. Jalpara is a national park in West Bengal, not a biosphere reserve. Jalpara is not a biosphere reserve, it is a national park in West Bengal. Clear? Means Jalpara is a national park, not a biosphere reserve. This statement is wrong. Statement third is Namdapa National Park is known as for lion conservation. यहाँ पर लॉइन के ऊपर टाइगर कंजर्वेशन नाम दफा टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक वजह से गुंडी नेशनल पार्क इन तमिलनाडु फेमस फॉर डियर प्रिजर्व हिरण को संरक्षित किया यानी हिरण के लिए जाना था गुंडी समझ रहे इसको मीन्स इसके क्वेश्चन है रन ऑफ कच्छ वाइड सेंचुरी पे करेक्ट एंड स्टेटमेंट है जलपरा पास हो जाए रॉन्ग स्टेटमेंट है जलपरा इज अ नेशनल पार्क Namdapa National Park known as for tiger conservation and Gundi National Park in Tamil Nadu known for deer. Namdapa Arunachal Pradesh. Namdapa in Arunachal Pradesh in these regions. In Arunachal Pradesh. ठीक है. So there is this one. Jalpara in West Bengal. Jalpara in West Bengal. Is a national park. Siliguri ka beta hai, jab West Bengal ka usi beta ka bolenge Siliguri ko chhodiya. ठीक है, समझ रहे हैं सर? Next question,
So next question is, which of the following rivers fall in Atlantic oceans? Clear? Question is number 4. Africa, Atlantic Ocean, and Indian Ocean regions. Atlantic Ocean regions and Indian Ocean regions. Niger River. Niger River. Take some of the skills from the river. Niger, Jarek.
मीन्स ये जो प्लेट होते हैं ये क्वेश्चन में इंडिकेट करा के प्लेट को टेस्ट हो गया ओसनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दो प्राइम प्लेट हो गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि माउंटेन जो है कौन सा माउंटेन इनमें से है जो ओसनिक और कॉन्टिनेंटल ओरिजिन से फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ है समझ लीजिए पहले प्लेट के बारे में। जब भी कॉन्टिनेंटल ओशन प्लेट का कोलिजन होगा तो फोल्डेड माउंटेन यहां बनेगा
स्पेंड कर सकता है क्योंकि इसकी चीजें कम है किराया नहीं ले सकता अपडेट नहीं हो सकता अपने प्लेट आपको पंक्टेटम बांट कर होगा क्या समझे सिस्टम फोल्डेड पॉकेट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर मार्जिन पर ट्रेंच बन रहा है ऐसे फिर इनके प्लेट में जाने से फॉल्टिंग होती है और फॉल्टिंग होने से आपको क्रीज होता है इसके इंटरनल पार्ट में जाने से टेम्परेचर इंक्रीज से ये मेल्ट होगा मैग्मा फॉर्मेशन होगा वॉल्केनिक एरप्शंस भी होंगे ऐसी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी समझ रहे हैं तो मैं कहता हूं कि कैसे फोल्डेड माउंटेंस बन रहा है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं अपर पार्ट में वाटर लेवल्स होते हैं तो वाटर लेवल को कौन ब्रेक का मीनिंग होता है ब्रॉड सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर का रिजिड पार्ट है ठोस पार्ट वो होता है वाटर रिजिड नहीं टू किलोमीटर थ्री किलोमीटर फोर किलोमीटर जो भी डेप्थ होगी डेप्थ इज वाटर लेवल तो वाटर इज विद थिकनेस कम हो गए तो जो थिकनेस में डिफरेंस है ना अब क्वेश्चन सुनो आप समझते हैं क्वेश्चन था कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट के कोलिजन से कौन सा माउंटेन फॉर्म हुआ है तो हमने अभी तक समझा कि माउंटेन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा जो क्वेश्चन था इरान माउंटेन्स इरान माउंटेन की लोकेशन कब देखेगा तो रशिया के बीच में इरान माउंटेन का फॉर्मेशन इसमें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का है कॉन्टिनेंट ओशन का है एल्प्स माउंटेन एल्प्स माउंटेन जो है यूरोप में और ये आपको कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन का एग्जांपल है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन से बना हुआ एंडीज माउंटेन South America. In South America, this is Andes Mountains. South American plate and Pacific plate. Collisions है और उसी का result है Andes Mountains. यह नाच का plate है सब plate. एक समझे इसको? Means continental oceanic का result कौन से mountain होगा? Andes Mountains. और अब लेकिन old mountain है North America में. ये ना जैसे North America ये result समझा रहा है. हाइड्रोलाइसिस
इसमें वाटर वैल्यूज होता है, एचएम होता है, लेकिन जैसे प्रोसेस को जैसे लेट कोई भी रॉक है उस रॉक में यदि वाटर एब्सॉर्ब कर उसको एब्सॉर्ब करने की वजह से उस रॉक के वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगा, बढ़ा देगा वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, इसलिए रॉक वीक होकर ब्रेक करने से हो जाता है। तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में इसमें नहीं होता, कास्ट ऑफ ऑफ ऑर्गेनिज्म से क्या होगा कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, कार्बोनेट वाटर के साथ डाइल्यूट करके नीचे आने लगता है। ये वेदिक प्रोसेस कराता है, जिससे होता क्या है कि जो लाइनिंग रीजन होते हैं, जो छोटे के क्षेत्र होते हैं, उन रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जब मिलते हैं तो कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर और कार्बोनेट वाटर के साथ डाइल्यूट होकर नीचे की तरफ मतलब टपना शुरू हो जाए या श्वास निकलना शुरू हो जाए। तो वेदिक प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होते हैं कार्बोनेशन प्रोसेस से, हाइड्रोलाइसिस से भी होगा, ऑक्सीडेशन से भी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो रॉक के मिनरल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, बेसिकली ऐसा ना आयरन ऑक्साइड में पैदा उसमें देखने को मिलता है, आयरन ऑक्साइड बनाना है ये जो चीज़ होता है। तो ऑक्सीडेशन में करते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होते जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो हाइड्रोलाइसिस कार्बोनेशन ऑक्सीडेशन मेटल मिनरल्स से सबसे सीधी होता है ऑक्सीडेशन में होती है। मैं इसी पे सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको आयरन का देने को मिलता है। तो इसमें कार्बोनेशन होता है ये कि जो कार्बोनेट चेन गैस होती है ये आपको कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर वाटर से मिलकर और कार्बोनेट डाइल्यूट होकर नीचे की ओर टपकना शुरू करके वहां से हटना शुरू करके जिससे हमारा वेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस वेदरिंग प्रोसेस जो है आपको कास्ट ऑक्सीजन में कार्बोनेशन का रिजल्ट है। सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं उनके जमा होने से भी टूटने के कारण डेजर्ट आ रहा है वो चीज होती है, सेडिमेंटेशन वगैरह होता है उसमें जो लोग मलबा वगैरह कहते हैं उनके इकट्ठा हो गया उससे कारण टूट रहा है, तो ऐसे सब होता है प्रोसेस। पानी की छाया हुआ ब्रेक करके तोड़ देंगे तो उसे प्रोसेस में इसलिए डिस्कशन से वगैरह पार्टिसिपेट करने चाहिए और बेनिफिट रहेगा आप लोग, जैसे देखते रहोगे फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो यूट्यूब पे वीडियो देखते रहोगे तो भी बेनिफिट होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कोरियोलिस फोर्स। ठीक, कोरियोलिस एक फोर्स है, पहले से थोड़ा समझ लिया। कोरियोलिस फोर्स एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे कोरियोलिस, उन्होंने इस फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इफेक्ट करेगा उसको, फ्रिक्शन फोर्स तो हमसे कम करेगा।
last statement, it is proportional to wind speed. Wind speed is my charge in India. I have explained the previous question, the wind speed is discussed in India. Means wind speed is not any relation. Wind speed jo hai wo matter karta pressure difference par. Pressure difference par aur friction force pe depend karta, Coriolis force ko relation hai. Coriolis force ka role hai wind ke direction ko move karna, not speed ko increase karna, decrease karna. Wind speed hamesha kya karta hai, pressure difference ka, pressure gradient maximum hoga, speed maximum hoga. Gradient low hoga, speed kam hoga. Ya fir friction force increase hoga to wind speed kam hoga. Clear sir, yes sir. Means is cancel kya hoga? Not true, correctly. You know, एक question जैसे इसी के साथ एक थोड़ा सा process जैसे बाहर निकल आता है, ताकि question जल्दी सच करते हैं थोड़ा बाहर आता है. एक question है कि जैसे equator पर cyclone formation नहीं होता है, equatorial strain में cyclone का formation नहीं होता, उसका explanation नहीं कर, क्योंकि cyclones में air circulated होती है, air का circulated movement होता है. और एयर सर्कुलेटर मूवमेंट कौन देगा? कोरियोलिस फोर्स. विंड के डायरेक्शन को चेंज करती है कोरियोलिस फोर्स. इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जीरो, साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होंगे. इसीलिए किसी भी इक्वेटोरियल बेल्ट में जाइएगा तो साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा. मान लीजिए एसएसएल रीजन में क्वेश्चन आया इक्वेटोरियल बेल्ट में साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता, एसएसएल आ गया और रीजन का देखिए प्रॉपर कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, जेट कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. समझे? इसका आंसर होगा ए. Both are correct and explanation. सभी उसके दाम जो था तो इफेक्ट करता है. जो अभी आपने बोला था कि वहाँ वो जो बनते हैं साइक्लोन जो बनते हैं तो वो पर ये उच्च दाब और निम्न दाब पर इफेक्ट इफेक्टिव है, मतलब प्रभाव डालता है? नहीं, प्रेसिपिट पर क्रिएट करता है. प्रेसिपिट पर करता है पेंट की स्पीड के प्रोपोर्शनल बनने लगते हैं. इस प्रेसिपिट को फॉर्म करने पर क्वेश्चन भी नहीं समझा होगा. मतलब जैसे उच्च दाब होता है फिर कहीं ना कहीं दाब से जाती है हवाएं बनती हैं, तो उस वजह से कोरियोलिस फोर्स ये कर सकता है. किसी रीजन से मैं समझ रहा हूँ, किसी रीजन से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स विंड को डाइवर्ट करके नीचे की तरफ लाता है. जैसे 30 डिग्री का जो बेल्ट होता है, जब 30 डिग्री के बेल्ट पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड, ये हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं. ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इस रीजन में हाई प्रेशर बेल्ट होने के पीछे रीजन कोरियोलिस फोर्स का होता है. जो इक्वेटर से एयर राइज होती है, कोरियोलिस 30 डिग्री एयर वाला होता है, कोरियोलिस फोर्स को डाइवर्ट करके नीचे की तरफ लाता है. कंडीशन हो सकती है ऐसे कंडीशन, जैसे ये एग्जांपल में ही है. ठीक है, समझ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमाउंट द फॉलोइंग बिल बंजारे इन फॉक्ट. बहुत ही क्वेश्चन है, ये तो कह सकते हैं ना, वो लेसर हिमालय, लेसर हिमालय इन जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बिल बंजारे. मेजर रीजन्स इन जम्मू कश्मीर रीजन्स साउथ से तमिलनाडु का रीजन भी है और नॉर्थन पार्ट में पंजाब के कोस्ट के एरिया है.
लावा रीजन को हटा दे, यही जो रीजन सबको दिख रहा है, लावा रीजन से फॉर्म है ये डेक्कन प्लेटो, इधर समालो प्लेटो का रीजन से ही बेल्ट है, लावा रीजन से फॉर्म है ये रीजन, लावा से फॉर्म रीजन से का सॉइल ब्लैक होता है, और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मींस ये ब्लैक सॉइल का रीजन इंडिकेट कर रहा है, और ब्लैक सॉइल का रीजन इंडिकेट करने का मतलब कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो पंजाब वाला रीजन कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, चल आप लोग याद, मार्को प्लेन रीजंस पेस्टिसाइड्स की वजह से कैंसर ट्रेंड के पीछे नाम दिए हैं आज, शायद कल ही क्लास था ना तो याद होगा सर, तो कैंसर ये पेस्टिसाइड पर ये रीजंस मैंने डिस्कस करे कल की क्लास में। तो ये जो बेल्ट हमारा कॉटन बेल्ट है, मीन्स एक कॉटन क्रॉप है, ब्लैक सॉइल का रीजन सर, ब्लैक सॉइल का रीजन होने की वजह से कॉटन रेडिएशन पॉसिबल है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल हीटिंग इज अ कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन इंडिया। डिफरेंशियल हीटिंग इज अ कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन इंडिया। तो इसमें क्वेश्चन को देखिएगा, डिफरेंशियल हीटिंग इज द सो कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो तापमान में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तापमान में डिफरेंसेस क्रिएट होने की वजह से इंडिया के एयर प्रेशर बेल्ट में डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो समर सीजन आना विंटर सीजन आना, तो ऑब्वियस समर सीजन में हमारे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, विंटर सीजन में हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, मींस जो टेंपरेचर डिफरेंस वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी कह रहा है डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज ऑफ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड, तो होता क्या मॉनसून विंड में जैसे इंडिया का बेल्ट है, इन समर सीजन दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट विंटर एक्शन भी होता है, लेकिन विंटर से जो जैसे ही सदर हेमिस्फीयर में सनर सिचुएशंस होता है, सदर हेमिस्फीयर में सनर सिचुएशंस होता है, तो इंडिया के इस बेल्ट में टेंपरेचर डिग्री जो मिस होता है, डिग्री होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, इसके कंपैरेटिव पार्ट में जो नॉर्दर्न पार्ट में आता है तो हायर एल्टीट्यूड टेंपरेचर और कम होता है, जिस मान लीजिए तिब्बत के रीजन से उसके नॉर्दर्न पार्ट में जैसे वहाँ पर टेम्परेचर और कम होने का होता है, कि इस समय दो चीजें क्रिएट होती है, एक तो आप देखिएगा जैसे ही सर्फेस सिचुएशंस होगा तो जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, जो प्रेशर बेल्ट होता है तो प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट करना शुरू होते हैं साउथ की तरफ, जैसे समर सीजन क्या होगा कि आईटीसीजेड का सिचुएशन साउथ प्लेन एरिया में आ जाता है, हमारा आईटीसीजेड का इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सी या अपन नॉर्दर्न प्लेट के आसपास शिफ्ट कर जाता है, लेकिन जैसे ही सन की सिचुएशन साउथ की तरफ होते हैं तो आईटीसीजेड साउथ की तरफ शिफ्ट करता है, इस समय नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का डायरेक्शन ही होता है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड थी उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, जैसे गर्मियों का मौसम क्या होता है ये ट्रेड विंड साउथर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है, इक्वेटर को क्रॉस करके साउथर्न मॉनसून में कन्वर्ट होती है, साउथर्न मॉनसून में कन्वर्ट होती है, लेकिन सब सिचुएशंस की वजह से ये ट्रेड विंड अपने लोकेशन पर आता है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, मीन्स विंड जो है रिवर्स करके ये डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन चलेगी, मॉनसून में होता क्या है अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज ऑफ विंड डायरेक्शन या रिवर्सल ऑफ विंड, मॉनसून का मॉनसून जो है मौसम वर्ड से ड्राइव हुआ है, मौसम वर्ड क्या कहते हैं रिवर्सल ऑफ विंड, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का इफेक्ट होने की वजह से विंड अपने डायरेक्शन को चेंज करे और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का इफेक्ट होने के बाद टेम्परेचर के चेंज हो जाए, टेम्परेचर कम हुआ प्रेशर वेट शिफ्ट करे और प्रेशर वेट शिफ्ट करता है विंड रिवर्स करे, मीन्स बोथ स्टेटमेंट जो इसमें आपको दिख रहा है वो आपका करेक्ट है। So here is this one. So here is this one. This is step 1 and 2. Both are correct. कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किया? 13. चलो स्वाइप डाउट्स रेडी की सोचते हैं। क्वेश्चन 13 को देते हैं। Consider the following statement.
This one develop in area with high rainfall. क्या तो पढ़िए high rainfall. Next statement to second वो कह रहा है this is more suitable for light casino in Kerala and nearby regions. This soil is fairly cut at peaks for use in house constructions. Fix on the statement two. अब कह रहा है above feature describe about which of the following soil. Red soil, laterite, black, the pretty soils over here. देखिए इसमें से एक soil है laterite. Laterite एक word है latter. Latin word है latter. Latter से form हुआ है. Latter का meaning होता है brick. समझिएगा सर. Laterite जो word है ये latter word से derived हुआ है इसका meaning होता है brick. एक statement तो ये से clear हो गया आपका. एक स्टेट होने से टेबल को ब्रिक के लिए से क्लियर हो गया. लेटर वर्ड का मीनिंग जो था ब्रिक. लेटराइट सॉइल की डेवलपमेंट की कंडीशन ही होती है हाई टेंपरेचर हेवी रेनफॉल की अल्टीमेट कंडीशन होनी चाहिए. हाई टेंपरेचर हेवी रेनफॉल जैसे वेस्टर्न घाट का रीजन जो इंडिया का वेस्टर्न घाट का बेल्ट है हाई टेंपरेचर रीजन भी है और हेवी रेनफॉल रीजन भी है. और हाई टेंपरेचर हेवी रेनफॉल भी जैसे सॉइल में नीचे प्रोसेस है पता है हेवी रेनफॉल को इसमें विंडोज होते हैं वो डायरेक्टली नीचे चले जाते हैं और लीची प्रोसेस नहीं होता उसी कंडीशन में लेटराइट सॉइल डेवलप होता है. और इस बेल्ट में कैसिनोट में बोलते हैं सर बेसिकली ये टी कॉफी के भी अच्छा अच्छी सॉइल बने जाते हैं टी के भी अच्छी मिट्टी बनी जाती है सोलर ट्रैक्शन को. तो जो हमारा वेस्टर्न घाट का बेल्ट है ये पूरा टोटल बेल्ट है ब्रो लेटराइट सॉइल के लिए. ये इक्वेटर में क्लोज के जो एरिया होगा इक्वेटोरियल बेल्ट्स होते हैं जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है हाई टेंपरेचर हेवी रेनफॉल का और हाई टेंपरेचर हेवी रेनफॉल लीचिंग प्रोसेस को इंप्रूव करता बढ़ाता है. लीचिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने से यहां पे लेटराइट सॉइल को बनाने होगा एंड इस मिट्टी को लेटराइट सॉइल के नाम से जाना जाता है. सो दिस इज एंड टोटल जो सॉइल हमारा लेटराइट जो पॉइंट कर देते हैं लेटराइट सॉइल को एक्सपेक्ट करना है. क्लियर है समझ गए इसको. द नेक्स्ट रेड सॉइल की करेक्टिविटी क्या होती है. रेड सॉइल बेसिकली वो आपको ये प्रोसेस रेड सॉइल के लिए प्रोसेस एक हाई प्रोसेस उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. रेड सॉइल बेसिकली ग्रेनाइट और नीस रॉक के फॉर्मेशन से बनता है. ग्रेनाइट और नीस रॉक होते हैं उनके फॉर्मेशन से उन्हीं के कारण बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टी कॉफी कैसे उन्होंने ऑप्शन आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबडक्शन जोन अलोंग विद द हिमालय फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री in the form of which of the following divergent boundary transform boundary continent ocean convergence or continent rotated boundary. देखिए first option है divergent वही चक्कर divergence में possible है कि compression force generate हो mountains बनेंगे folded boundary में compression force generate हो जाएगी तो first option होगा नहीं. second option है transform boundary में possible है. third option जो है आपका कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंस. तो हिमालय रीजंस में यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है इनका कन्वर्जेंस हुआ है. यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है और इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है. बहुत हार्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट मीन्स जहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन वहाँ पे जो दो प्लेट है वो ज्यादा बोला हमने क्लास डिस्कस किया था कि जो हिमालय रीजंस कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल यूरोपियन यूरोशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलिजन का रिजल्ट है. मींस इस हमारे आंसर का कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का. ठीक है सर. लेटर से कॉन्टिनेंट है ना जहां पे मतलब हैवी रेनफॉल हैवी रेनफॉल का टेंपरेचर कंडीशन सर सर बट यहां तो जैसे मतलब यहां इंडिया में तो ब्लैक सॉइल मिलता है इसलिए विश्व घाट के सामने डेवलप हो गई. ठीक है
आई गेट नेक्स्ट क्वेश्चन सर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया थ्री स्टेटमेंट तीन रीजन दिखा रहा आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका मीन्स अदर रीजन्स उसको इससे मिक्सिंग हो रहा होता है उसको इससे
एक होता है कास्पेट, जिसमें ऑप्शन है उसके बारे में। कास्पेट इंटर क्या होता है कि इसमें जहाँ वेव्स स्ट्रांग होती हैं तो सेडिमेंट को वायर एक्सपेक्ट करते हैं फैलाते चले जाते हैं, तो डेल्टा जो एक्सपेक्ट करता चला जाता है। जिसमें डेल्टा का जो फॉर्मेशन था कास्पेट, मतलब इसी तरह टीथ दांत की तरफ बनने लगता है, फैलते गए टीथ की तरफ बनता चला जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है नाइन, तो नाइन रिवर का जो डेल्टा है ये आपको एडिक्वेट डेल्टा का सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है। तो नाइन डेल्टा इसी डेल्टा का एक्सपेंशन हेरोडोटस ने किया था, उसी वजह से डेल्टा को डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम, जिस डेल्टा को डिफाइन हेरोडोटस ने फर्स्ट टाइम इसी डेल्टा को देखकर लिया था। नाइन डेल्टा सुनता है रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। मिसिसिपी डेल्टा जो है वर्ल्ड फूड के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है वर्ल्ड फूड के लिए मिसिसिपी रिवर का डेल्टा। ठीक, टाइगर जो है वो कास्पेट डेल्टा का एग्जाम्पल है। गंगा का सबके बाद है, गंगा के एक्चुअली में आपको डेल्टा के एग्जाम्पल है। गंगा के कुछ स्ट्रीम्स जो है माउथ पर जाकर अलग स्ट्रीम्स आ जाते हैं, कई माउथ स्ट्रीम बन जाते हैं, इसमें आपको डाइवर्ट करते हैं। उसमें कुछ स्ट्रीम जैसे नीचे मेघना का माउथ है, किसी को क्वेश्चन में डेल्टा का सकता है कि गंगा रिवर जो है अलग अलग ब्रांचे जाते चले जाते हैं। इसमें कुछ ब्रांचे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में इंटर भी करने होते हैं, जो स्ट्रीम कंडीशन को डेवलप कर रहा था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एस्ट्रोनाइट माउथ गंगा के साथ कर सकते हैं। तो गंगा कैसे जो है उसका डेल्टा आपको डेल्टा के नंबर है, गंगा डेल्टा भी आपको डेल्टा बनाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी इसके ब्रांचेज जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में इंटर करता है, मीन्स वो एसटी की कंडीशन को डेवलप कर जाते हैं। तो इन क्वेश्चन में आएंगे कि आप उसका आंसर होगा एस्ट्राइन मोड, मीन्स नाइन आर्कुएट हो गया मिसिस बर्ड फूड टाइगर कास्पेट और गंगा का एस्ट्राइन। जिसे एक्चुअली भी क्या होता है कि रिवर्स होती है, सीधे क्वेश्चन से जल्दी सेगमेंट इक्वेशन नहीं होता है और मिक्सिंग हो रहा था स्लाइम वाटर का फिर सब पड़ता। सर आपने पॉइंट पर तो काफी वो डायरेक्ट इंटर फाइन पार्टिकल्स का सेगमेंट डिपॉजिट होंगे, इसलिए किसी रिवर्स के पास सेगमेंट फाइन पार्टिकल्स का तो इंटरनल पार्ट तक चलता चला जाएगा और डिपोजिशन जब स्टार्ट होगा तो पार्ट का फोल्ड बना रहेगा, उसी को बोलते हैं पार्ट फोल्ड का। और यहाँ पर डिपोजिशन नहीं हो पा रहा है उसको इसी मौत में गिरने वाले सेगमेंट भी रखा जाए तो इसको एस्ट्रोइड डेटा कर देते हो, एस्ट्रोइड डेटा कर देते हो एस्ट्री मत नहीं ये इंटर हुए इसी बोले एस्ट्री। और इसी माउथ में कभी कभी धीरे धीरे सेगमेंट भी जमा होता है टैंक टू टैंक, तो उसे एस्ट्रोइड डेटा के नाम से बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? सर बेसिक डिफरेंस है, जैसे क्या हुआ एस्ट्री और उसमें पार्क जैसे एस्ट्री है ओशन सॉल्टी वाटर और रिवर प्रेशर डायरेक्ट मिक्स करते होते हैं जहाँ पर सेगमेंट इक्वेशन नहीं पड़ा होता, लेकिन डेल्टा में मिक्सिंग डायरेक्ट नहीं होता ब्रेक कट होता है, मतलब सेगमेंट डिपॉजिट हो जाता है। सर रिवर प्रेशर माउथ पर सेगमेंट डिपॉजिट करते हैं और सेगमेंट डिपॉजिट करने पर डेल्टा पर ऑप्शन करते हैं। सेगमेंट डिपॉजिट करके स्पीड अधिक होने की वजह कम होने की वजह से स्पीड मिनिमम है और सेगमेंट क्वांटिटी मैक्सिमम है। यदि कंडीशन सच ही हो तो स्पीड मैक्सिमम हो तो रिवर सेगमेंट डिपॉजिट नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में सीधे ओशंस में इंटर है इसी मौत का स्ट्रेस ऑफ करते हैं। सुन मैं नहीं हो क्लियर है, मैं सिंपल सी बात है, रिवर फ्लो जो ओशंस में इंटर है वो स्ट्रीम मौत है, सेगमेंट डिपॉजिट नहीं करती है उसको लेकर स्ट्रीम मौत नहीं क्लियर है। डिपोजिशन का ही तो जस्ट है डिपोजिशन के पार्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है वाइज नेक्स्ट माउंटेन नहीं कर सकते, आप उसका ओरिजिन समझ होगा रिवर की ओरिजिन तो कर नहीं सकते,
डिपोजिट तो करेंगे मान लीजिए 1300 का मैं सेपरेट वी सेम वैल्यू और नदी जो है अपने डेप्थ को बढ़ाते चले जाते हैं वर्टिकल योजना करके कॉन्क्रीट प्लस क्लिनिकल डेप्थ रहती है जब कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर साइड बढ़ती रहती है तो उसको जब मैच्योरेशन जहां पर रिवर इरोजन और डिप्रेशन दोनों करेंगे स्लोप पे कमी होने वाली है बोथ स्टार्ट हो गए लास्ट में क्या होता है कि ओल्ड स्टेज होता है जहां पर रिवर जो है इरोजन जैसे एक्टिविटीज वगैरह नहीं कर पाती तो ओल्ड स्टेज में क्या होता है रिवर्स पे जो प्ले एरिया वाइड स्पेड ऑफ फाउंड हो जाता है मतलब रिवर फ्लो का जो सेगमेंट हो जाता है वो प्लेन का फॉर्मेशन करके वो आपका पैंटलेन या पेनिप्लेन के नाम से जाना जाता है पेनिप्लेन बॉडी इसी को क्रीक में ले पैंटलेन सब जाता है पेनिप्लेन और या पैंटलेन इसके ऑप्शन है थर्ड आप देखना थर्ड स्ट्रक्चर है ए लेवल सरफेस फॉर्म बाय द फ्लूवियल्स साइकल्स एट द ओल्ड एज सो ये सो जो ये पैंटलेन प्लेन में है सिर्फ रिवर्स में बारिश में कोई भी ऑप्शन देखेगा विंड के साथ जुड़ा हुआ है या फिर फ्रंट प्लेन्स की बात है तो लीवर अपने लास्ट स्टेज में पैंट्री तो प्लेन की फॉर्मेशन करके वो आपका पैंट्री तो डेल्टा से पहले जो बनाएंगे डेल्टा से पहले जो बनाएंगे ठीक है सीओ हाँ इसका ऑप्शन सीओ एक क्वेश्चन है 221 पढ़िएगा एक क्वेश्चन है स्पिन कटर्स के बारे में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ ओवर सुटेड इट इज अ डेट व्हेन ह्यूमैनिटी ह्यूमन एनिमल देखिए इसमें कैसा समझेगा जो एक नेचुरल कंडीशंस में जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका 1 ईयर के अंदर यूजेज यूज करना वो आपका आइडियल कंडीशन है यदि उससे एक्सट्रीम यूज कर रहा है जैसे एक नेचुरल कंडीशन था तो हमारा गाँव को ओवर सुट डे करना है ओवर सुट करना है यानी जो रिसोर्सेज हमारे पास जितने 1 ईयर के अंदर प्रोवाइड नहीं करेंगे नेचुरल कंडीशन में उससे ज्यादा अचीव करना ओवर सुटेड नाम से जाना जाता है सिस्टम क्या करेगा It is the date when humanity's annual demand on the nature exceeds what other can regenerate over the entire year. So this is again exceed करना है. तो ये condition क्या होगा? Over suit day. मतलब resources जो हमारे पास उस resources का हम जो nature के द्वारा हमको entire year के अंदर दिया गया उससे हम exceed करेंगे utilization. और इसको मेजर करने का जो है आपको ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क और डब्ल्यूएफ द्वारा किया जाता है ये इसके बारे में बताती है दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर 23 तो पूछ गया लेकिन क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स डेवलप व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द डाउनलाइन स्ट्रक्चर्स ठीक है रिवर पे जो ज्योमेट्रिकल फ्लो होता है उसी को हम ड्रेनेज पैटर्न्स ज्योमेट्रिकल फ्लो मतलब कि रिवर्स किस डायरेक्शन में कैसे ऐसे फ्लो करें इस पर स्ट्रेटेशन होता है जैसे जो माउंटेन और ये ऊंचाई पर है डॉम है गुंबद है ऐसे तो इसके सभी डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो करने के लिए ये भी डायरेक्शन होगा ये भी डायरेक्शन होगा ये भी सभी डायरेक्शन में किसी डॉम से कोई ऊंचा क्षेत्र और से रिवर बढ़िया होता है सब डायरेक्शन बात करें और जब रिवर सब डायरेक्शन से बाहर निकले उसी पैटर्न को बोलते हैं रेडियल पैटर्न उसी को हम रेडियल पैटर्न मींस जो टॉप से होगा ऑब्वियसली एक हाइट है तो उस हाइट से पैटर्न ऑफ फ्लो हो रहा है तो सब डायरेक्शन से जा रहा है और एक सेंटर से बाहर निकल रहा है इसी को हम रेडियल पैटर्न इसको हिंदी में अपकेंद्रीय बोलते हैं केंद्र से बाहर निकल रहा है चाहे इसमें आंसर होगा रेडियल पैटर्न सॉरी दिस ऐसे भी टॉप से होगा तो सभी को रेडियल पैटर्न से निकल पाओगे वहां पर डॉम होगा ऊंचाई होगा गुंबद होगा तो सिर्फ चारों तरफ ही निकलेगी तो रेडियल पैटर्न भी होगा सब बेस्ट एग्जांपल छोटा आपको प्लेटो में चलने के इंडिया के बीच का प्लेटो में रीजन से और रेडियल ग्रेनाइट पैटर्न का है तो ये मानिए क्वेश्चन बाद में होती है कहीं नहीं है अभी ने लीवर पढ़ा नहीं है कहीं नहीं है सीधा तो उस ब्लेड से जो छोटा को कंट्रोल करने जैसा वो अपने से बेस्ट है छोटे लोग से काम करता है रेडी पड़े कई छोटी नहीं होती है इंडिया में बहुत सी रिवर्स है छोटी भी कई नहीं है वहाँ फिर ट्रेलिस पैटर्न ट्रेलिस पैटर्न जो सी ऑप्शन कौन सा ट्रेलिस पैटर्न अभी बहुत क्लोज हो जाता है ना रेक्टेंगल के लिए होता है उसमें होता है कि ऐसा चीज बहुत क्लोज हो जाती है रिवर्स बहुत क्लोज हो जाती है ट्रेडिशनल
उससे कई बार ऐसे आ गई ऐसे आ गई ऐसे आ गई मिल गई ये रेक्टेंगल बनना चाह रहा है सर क्वेश्चन में कैसे दिख रही ये भी बोलो सोचेंगे तो डेंड्रिक ट्री डेंड्रिक होता है पेड़ देने का भी
यूसी के उसका है इस डिजिटल में सिटी डेवलपर के साथ अभी हम मिंडल स्टीम पर जा रहे हैं नेटवर्क में ले रहे हैं लोग यहाँ से शिफ्ट कर लिए हो इसी इसको होस्ट सिटी कहा जाता है तो ये सब मींस अगर आमा डिवेट में नेटवर्क पर उसी का नहीं का सिटी डेवलप हो अब नेटवर्क यूज किया जा चुका है एबिलिटी उसकी है लोग का सिटी समझिए वहाँ से उसी पर क्या आपको होस्ट सिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एरोप्लेन्स मे बी इजेक्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ ब्लैक कार्बन एंड दिस मे बी डिफ्लेक्टिंग द ओजोन लेयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट कैन लिंगर लॉन्ग एनफ टू प्रोवाइड अ फर्टाइल ग्राउंड ऑफ अदर केमिकल रिएक्शन दैट कैन deplete the ozone layer. Instead of being quiet, it still is ozone layer depletion. But if you think about it, this can strongly absorb solar terrestrial radiations and hits of the atmosphere. So carbon layer, ये long wave radiations को long wave radiations होते हैं, उनको absorb करता है, trap करता है. तो ये decay process भी करेगा. फिर it deposit on the snow, it could accelerate the heating of the snow. इसमें कास्ट ऑफ वाटर्स ब्रदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा द पेनिनसुलर इंडिया वंस फॉर्म पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट व्हेन इट इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका अब अंटार्कटिका पार्ट था ग्रीनलैंड पार्ट था तो ग्रीनलैंड में सभी जुड़े हुए थे Second, most of the coal and ferrous groups of minerals in India occur in the peninsula south of India. Jharkhand. ये विंध्य इंटेलिजेंस है ऐसे इस ऑल पार्ट छोटा कोट इंटेलिजेंस इस क्लोज करके ऐसे कुछ पार्ट आएगा सब पार्ट तो छत्तीसगढ़ का रीजन है एमपी का रीजन है ओरिन पोल बेट्स है महाराष्ट्र का बेट पोल बेट है स्टॉक में झारखंड का रीजन है वो भी झारखंड के कुछ रीजन होगा मान ली झारखंड के एरिया को छोड़ दे ठीक है इसमें होगा आपका बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है The major portion of the rainfall in this climate region is received during summer season. Okay? Evergreen trees such as pines and cypress and deciduous trees such as oak are the natural vegetation of the Mediterranean climate. Statement 1 are wrong or correct or right? False or true or false? Mediterranean climate is a very good question. इसमें क्वेश्चन क्या है फर्स्ट है द मेजर कॉज ऑफ रेनफॉल इन दिस कैंपेन है दिस ड्यूरिंग समर सीजन अभी हमने डिस्कस किया था देखो विंटर सीजन डिस्कस कर रहे हैं इसी तरह से सेकंड इज व्हाट चेंज अब ओक और डिसोडियस मतलब मिक्स फॉरेस्ट्री पर आता है थर्टी नाइन क्वेश्चन नेक्स्ट इज वन हिमालय बियर फॉर्म ड्यू टू फॉल्टी ऑफ अर्थ क्रस्ट 40 से माउंटेन का फॉर्मेशन होने से रॉन्ग स्टेटमेंट है हिमालय का ओल्डेस्ट माउंटेन रॉन्ग न्यू यंगेस्ट माउंटेन है अल्पाइन ओरिजिन का माउंटेन है अल्पाइन डेक्रेट का हिमालय का किलोमीटर कैलोरी माउंटेन ये भी गलत अल्पाइन ओरिजिन से है हिमालय का राइजन फ्रॉम द टेची सी व्हेन द सी गॉट कंप्रेस्ड तो बिटवीन इंडोनेशिया एंड इंडियन प्लेट टेची सी सिचुएटेड बोथ ग्रेट क्लोज उन्हीं की ओरिजिन से ये पार्ट राइज कर मींस स्टेटमेंट डी जो है करेक्ट है कि हिमालय का है राइजन फ्रॉम द एचसी व्हेन द सी गॉट कंप्रेस्ड समझ रहे हैं इसको सैंपोलिंग टू रेसिडुअल है सैंपोलिंग है वो इज दैट अ रेसिडुअल ऑफ एचसी हां ये एक सैंपोलिंग है पैंगोंग सो इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एचसी इस तरह से बोलिस के रिमेनिंग पार्ट ऑफ पैंगोंग सो
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट द सिंबल ए डब्ल्यू रेफर इन कोपेन क्लाइमेटोलॉजिस्ट उन्होंने इस जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था ये जो सिंबल है ये हमको रेनफॉल पर डिपेंड करता है जब ये लगा होगा एक ही रेनफॉल जो होगा ठीक है। डब्ल्यू जो वर्ड है विंटर पर डिपेंड करता है और विंटर ड्राई विंटर ड्राई समझ लीजिए इसको ये हेवी रेनफॉल पर डिपेंड करता है और विंटर ड्राई होगा ठीक। इसमें देखिए और है जो ये जो क्लाइमेट बेसिकली ये जो है आपको टेंपरेचर सॉरी रेनफॉल टेंपरेचर पर डिपेंड करता है वार्म रीजन की फायर वार्म रीजन को और विंटर ड्राई तो ये कंडीशन दो तरह से होता है मानसून क्लाइमेट में और ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट में। लेकिन मानसून क्लाइमेट के लिए बेसिकली हम लोग ए एफ या एम वर्ड का यूज करते हैं ए एम एम क्लाइमेट ये आपको सवाना को दिखाता है जो सवाना क्लाइमेट है उसी के उन्होंने केटल वर्ड का यूज किया था सवाना क्लाइमेट कंडीशंस के लिए। जो हॉटस्पॉट रीजन होते हैं वहां पर आपको बहुत अधिक वेरिएशन मिल रहा है बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जा रही है। एस्टिक डायवर्सिटी इज हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक एंड डिक्रीज अराउंड द पोल्स तो बायोडायवर्सिटी टेंपरेचर और रेनफॉल से रिलेटेड होगा टेंपरेचर रेनफॉल कम होगा बिलो होगा बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगा बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगी मींस स्टेटमेंट टू बी करेक्टेड। इस वजह से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मे बी इन सीटू एंड एक्सटू दोनों हो सकते हैं सीटू भी एक्सटू दोनों हो सकते हैं तो ये इसमें हो गया 1 2 3 फॉर करेक्ट। नेशनल पार्क इंस्टीट्यूट होते हैं हां नेशनल पार्क इंस्टीट्यूट होते हैं नेशनल पार्क कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट होते हैं बेसिकली इसमें बायोडायवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ही फोकस होता है हॉट स्पॉट होते हैं इंस्टीट्यूट होते हैं एक्सटू जो है सब उसकी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट आर सियालिक एंड सिल्का एंड एल्युमिनियम रॉन्ग सीमा ऑफ सिल्का एंड मैग्नीशियम सेकंड है द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिल्का एंड मैग्नीशियम ये भी कॉमन दोनों का मतलब मींस नाइदर वन एंड नॉर टू बोथ आर इसी को अपोजिट कर दिया तो व्हाइट हो जाता है शर्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इसके बाद हमारा सिवर होगा सही से सो मींस यहां पर होगा हमारा कच रन एक्सट्रीम ड्रॉप कौन सा स्टॉक करेक्ट है इसमें वन वनली वन सिर्फ कोई टू के टू है आपका मार्केट ट्रेंड फॉर कैंडिडेट फॉर एक्सट्रीम ड्रॉप और ईस्टर्न पार्ट जो है महाराष्ट्र का वो आपका सही होगा अभी ठीक है। इसमें आंसर होगा हमारा कच रीजंस एक्सट्रीम ड्रॉप दैट्स ओनली वन। इस क्वेश्चन को समझिएगा व्हाट एक्सप्लेन द स्टार्ट फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट इस क्वेश्चन को समझिएगा इस पार्ट जमा हो सकते हैं
प्रोफेशनल है, ये ऑन सर्विस पता क्या ऑन को जैसे इधर से उस वाटर को इस सेट वाटर को मूव कर देते हैं, यहां पर इस पार्ट ऑफ वाटर के लेवल इंक्रीज करते हैं और इस पार्ट वाटर लेवल कंप्लीटली लो, ऐसे कारण एक करंट ओरिजिनेट करते हैं और इसी करंट को लोग काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नाम से जो इस वाटर मूव कर रहे हैं। ठीक, समझ रहे हो इसको? सो इट इज सो दैट इन पैसिव सिस्टम्स अंदर बोथ ट्रेडमेंट के इफेक्ट से वेस्टर्न साइड में वाटर की लेवल में इंक्रीमेंट होता है, वाटर में इंक्रीज होता है, वाटर में इंक्रीज होता है स्लोप क्रिएट होता है और स्लोप से ईस्टवर्ड वाटर का फ्लो स्टार्ट होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, इसी करंट को बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब क्वेश्चन तो बोलिए क्वेश्चन ये है कि द अर्थ रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, तो ये इक्वेटोरियल करंट चल रही है और इनकी वजह से इक्वेटोरियल करंट का मतलब सब का बेसिक कन्वर्जेंस की वजह से चल रहा है। सो ये सिस्टम इसका मतलब इसका आंसर होगा बी, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट। क्लियर है? ये तो है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, वंश धारा इंद्रा जो है अर्थ की रोटेशन की तो कारण है, अर्थ की रोटेशन से वैसे करंट जनरेट होता है लेकिन यहां पे जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट फ्लो के काउंटर इक्वेटोरियल करंट की उसका कन्वर्जेंस स्पेशल कन्वर्जेंस होता है और कन्वर्जेंस से वाटर लेवल में भी होता है उसी कारण फ्लो स्लो होता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, बस धारा इंद्रावती परिणीता और पेंडा, व्हिच ऑफ द टेबल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, इंद्रावती और परिणीता बोथ आर ट्रिब्यूटरी गोदावरी एंड बस धारा रिवर फ्लोइंग ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश रीजन्स एंड पेंडा रिवर इज फ्लो कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश रीजन्स, कर्नाटक में से ओरिजिनेट होती है और आंध्र प्रदेश रीजन फ्लो होते हैं व्यवहार में चले जाते हैं इंडिविजुअल रिवर्स, इन सिस्टम का इंद्रावती एंड परिणीता। बस धारा जो नदी है ये आपको रिवर्स आपको मिलेगी ओडिशा के अंदर ओडिशा आंध्र प्रदेश को और पेंडा रिवर जो कर्नाटक से निकलकर फ्लो करते हुए आंध्र प्रदेश को व्यवहार में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखो, क्वेश्चन 47 है सुनना ना, क्वेश्चन क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन से पहले कि हम इसे डिस्कशन में पढ़ लिया था इसमें ऑप्शन सी हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं अच्छा ना कोई याद रखेगा आंसर में तो देखेंगे क्वेश्चन आया कोई भूल ही कर लिया 47 हरिकेन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, देखिए हरिकेन मतलब साइक्लोन्स है जो कैटेगरी सी रीजंस में साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उसी से हम लोग बोलते हैं हरिकेन जब तो साइक्लोन्स में क्या होता है सेंटर में लोग प्रेशर होता है सेंटर में लोग प्रेशर होता है और आउटर साइड से इंटर पार्ट ये का मूवमेंट होता है यही से नेचर होता है। साइक्लोन का एनर्जी का सोर्स ही होता है लैटेंट हीट, जो वाटर का अंदर लैटेंट हीट होता है वही से एनर्जी का सोर्स होता है साइक्लोन के अंदर। यदि साइक्लोन लैंड पार्ट में आने के बाद जैसे कोस्टल पार्ट में हिट करती है ये आपको अपने आपको क्लैश करती है समाप्त कर देती है, क्यों कर देती है जैसे लैंड पार्ट आएगी लैटेंट हीट वाटर वेपर का लैटेंट हीट मिलना बंद है तो इन जो एनर्जी का सोर्स ही कट गया एनर्जी सोर्स का समाप्त हो गया तो अपने आपको मूव नहीं करा पाता साइक्लोन वहीं से डिक्लाइन करता तो इसे स्टॉप हो जाता है। तो साइक्लोन किसी भी साइक्लोन के फॉर्मेशन में जो एनर्जी है वो एनर्जी ही मिल रहा हमारा लैटेंट हीट वर्सेस और क्वेश्चन ये कर रहा है हरिकेन के फॉर्मेशंस में क्या है तो जियो थर्मल एनर्जी होता होता ही है लैटेंट हीट डिराइव फ्रॉम द कंडेंस वाटर वेपर जो कंडेंस वाटर वेपर होता है उसी के लैटेंट हीट से इसको एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो समझ लीजिए इसका आंसर होगा बी, सो ओजोन से कोरिलेशन नहीं है फॉसिल से होता है फॉसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डेजर्टिफिकेशन ओवर वेजिटेशन मानी किसी रीजन में आप ओवर ग्रेजिंग कराते चले गए अगर भी कराते तो फोटो से कहते जैसे एक्टिविटीज कम होगी रेन फॉल में पॉसिबिलिटीज कम होगी डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज करेगा। समझ लीजिए इसको, इसके बाद गंभीर डेवलपमेंट इन द वैली बॉटम, एक्चुअली होता है जो वैली बॉटम्स होते हैं नीचे के भाग होते हैं तो वेस्टेज की वजह से क्या वेस्टेज डेवलप होते हैं और वेस्टेज की फ्लो होने की वजह से अभी गली डेवलप होने से मीन इरोजन से गली के स्ट्रक्चर्स बनने से हुए हैं तो मान लीजिए जो माउंटेन्स और वैलीज होते हैं कसम गली के स्ट्रक्चर से संबंधित है वेस्टेज की वजह से मीन्स रन ऑफ फ्रॉम अ न्यू रोड्स ड्यू टू द हाईवे की बात करें जो एक चैनल के थ्रू डेवलप होना है जो वेस्टेज वगैरह होता है तो इरोजन के द्वारा उसको काट करके गली का डेवलपमेंट करते हैं।
So it is increasing coast erosion. ये होगा आपका effects of urbanization of the coast. यानी जो coastal part में जितने यानी pollution वगैरह depletion होता चला जाएगा, उससे erosion सब बढ़ता चला जाएगा coastal part. Grounds क्या हो? Grounds जो होते हैं, जो sediments होते हैं, sands वगैरह. क्योंकि इससे बढ़ता चला जाएगा, जितना नहीं होगा उसको तोड़ते चले जाएंगे coastal. Ocean water में जितना भी sediment होगा उसको break करता चला जाएगा, इससे बढ़ता चला जाएगा. लास्ट में ग्रेटर रिवर फ्लड इंटेंसिटी. अभी सर अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण पता है लोग रिवर्स के क्लोज रीजन में सिटेशन होने से सेटलमेंट स्टार्ट होगा. रिवर का सेटलमेंट होगा यदि क्लोज रीजन में, रिवर के क्लोज पार्ट में यदि सेटलमेंट स्टार्ट होगा तो फ्लड इंटेंसिटी इंक्रीज करता है. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग Which of the following are the general features of river system of peninsular India? Presence of meanders, presence of meanders, hard rock presence of lower cave, straight flow water. The meandering of the meandering of the soft regions of the river's meandering of the Gangetic and the rivers of the northern Gangetic, who meandering that way. None parallel flow of water, maybe. See, summer season, jitne peninsular rivers hain, wo glaciers pe depend karte hain, rainfall pe depend karte hain, aur rainfall pe depend karte hain, non parallels hote hain, permanent parallel rivers, seasonal rivers honge. Fixed courses, route to fix hota hi hota hai. Theek hai, samajh gaya, ye fixed hote hain, flow karte hain. Iska answer hoga 2 and 3 are correct. Select incorrect ho raha hai. Ha, select the incorrect statement using course ke liye. इनकरेक्ट क्वेश्चन बनने लिए पार्टी इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म ठीक है बाकी दो सही है निर्गत क्वेश्चन नहीं जो सुरु वैली है ये जम्मू एंड कश्मीर में है ठीक युथांग वैली सिक्किम में और जुकू वैली नागालैंड समझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो सुरु वैली जम्मू एंड कश्मीर युथांग वैली उत्तराखंड एंड जुकू वैली नागालैंड इसमें से देखो इसका आंसर होगा डी बोले थ्री करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका इमिशन है मैक्सिमम को थर्मल पावर में होता है फिर प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का होता है थर्मल पावर में सबसे यूज करते हैं तो थर्मल एनर्जी के लिए क्या करो कोल को बर्न करते हैं कार्बन से उत्पन्न होता है हमारे एनर्जी का मैक्सिमम जो सोर्स सभी भी थर्मल एनर्जी का ही जिसमें होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4 NH4 थाने टू मींस मुंबई टू चेन्नई मीन्स ये जो ऑप्शन है चेन्नई टू हैदराबाद चेन्नई हैदराबाद रॉन्ग हो गया NH6 ये आपको बारह कोड़ा से कोलकाता समझ लीजिए जैसे कोलकाता क्रॉस में बारह कोड़ा से धूले होते हुए हजीरा गुजरात आ गया मीन्स मुंबई में नहीं ठीक NH15 अहमदाबाद और जोधपुर NH15 जो पठानकोट को समान किया गुजरात जोधपुर नहीं जैसलमेर रीजन से था जोधपुर नॉट है जैसलमेर के क्षेत्र से मीन्स इसे नन ऑफ दीज कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए जो NH4 है थाने टू चेन्नई हो गया गलत NH6 कोलकाता को धूले हजीरा गुजरात धूले के महाराष्ट्र हजीरा गुजरात NH15 पठानकोट को समान खियारी गुजरात समान खियारी गुजरात मीन्स वाया जैसलमेर जिसमें आपका नन ऑफ दिस कोई भी प्रॉब्लम नहीं मतलब कोई मैच नहीं है याद करने पड़ेंगे अब इस क्वेश्चन को समझिएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ द
Earth is nearest to the sun at square of the year. फॉरवर्ड कंडीशन नियरेस्ट कंडीशन ये कंडीशन पर एपी हिलियन इज कॉल्ड एपीरियन फोर्थ जुलाई दिस इज कॉल्ड पेरिहिलियन ठीक थर्ड समझे अब इस टेक्निक को पढ़ लीजिए क्वेश्चन एंसर का मिल गया हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है अर्थ इज नियरेस्ट to the sun at perihelion, ठीक है? Which generally occurs on 3rd January. देख रहे हैं? Statement 2 पढ़िए. The Earth is farthest away from the sun at perihelion, not aphelion. गलत हो गया? Which generally occurs on 4th January. तो डेट समझिए कि इस मौके पर जो perihelion बोल रहा है, ये ना हो aphelion मार के. Classes, third shape, the Earth is farthest away from the Sun at aphelion, which generally occurs on 4th July. So, this is good. Means 1 and 3. Fourth shape, the Earth is nearest to the Sun at aphelion, which generally occurs on 3rd July. So, this means this is the 1 and 3. Clear? Next question is here. You can see something. And these are all answers. कंजर्वेशन में रामसर साइट के पार्ट सारे अष्टभुजी वेटलैंड डिविजन से अष्टभुजी वेटलैंड इन केरला बेसिकली वहां पर बैकवाटर्स होते हैं केरल से कोस्ट पे का बैकवाटर्स मिलते हैं यहाँ पर बेमनाल अष्टभुजी ये बैकवाटर कयास सोल्ड ना डोबरी कॉल्ड कयास बैकवाटर इन केरल इज कॉल्ड कयास तो उसकी वजह से एग्जाम्पल अष्टभुजी है केरल में ठीक है हो के रहा जम्मू एंड कश्मीर सिग्नल क्लोजी सिग्नल से 10 टू 15 किलोमीटर फॉरवर्ड डिस्टेंस को है फिर रेणुका हिमाचल प्रदेश सिरमौर डिस्ट्रिक्ट उसके ठीक समझ रहे हो अष्टमोजी इन केरल हो के रहा इन जम्मू एंड कश्मीर रेणुका इन हिमाचल ये ऑल आर वेटलैंड रीजन इन रामसर साइट भी इंक्लूड है तीनों तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड एवर आर नॉट मैच करेक्टली करेक्टली मैच नहीं है मींस वन वन जो है वो देखा जाए राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश में क्लर्क एक केरल में है अदरवाइज वो केरल जे एंड के में भी है रेणुका हिमाचल ठीक है और ये रामसर साइट में भी है इसको ग्लोबल दिस इज सुपर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारे मार्शी होते हैं हां उन्होंने वाटर की डेप्थ होते हैं और सिक्स फीट तक मान लिया है परमानेंट वाटर लॉग होना चाहिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेक इन इंडिया इनकरेक्ट है चिल्का इज द बिगेस्ट लेक इन इंडिया कंटेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट इनकरेक्ट अष्टमुनि द बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इन केरल रॉन्ग स्टेटमेंट है बिगेस्ट है सांबर लेक इन राजस्थान इन इंटरनल पार्ट है कोस्टल पार्ट है तो चिल्का इससे बड़ा होगा बिगेस्ट ऑफ रॉन्ग है हेमिंग सिंह करेक्ट है बिमना इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट लेक बना दी जिसमें आंसर होगा टू वन बी टू सी ठीक है मीन्स स्टेटमेंट वन एंड थ्री आर करेक्ट The transition between two ecosystems is called ecoponds. Ecosystem में जो transition होता है वो ecoponds होता है। देखिए यहाँ पे एक word है microbe, biotope। Biotope जो particular area से living मतलब habitat का disease होता है। एक specific area में कुछ living species होती है। तो वो होता है वो biotope। जो biomes होते हैं एक communities में दिखाता है। एक communities group of communities में
एनिमल स्केल प्लांट के उनको बैलोन कर रहा है और इक्वल स्केल टू आपको इक्वल टू इकोसिस्टम से उनका जब कन्वर्जन होता है उसी बोलते हैं इको टू जिसमें इसका इको टू हमारा 59 को करंट के क्वेश्चन से इसमें इंटीरियर है तो सागर माला कमेटी का हेड गवर्नर नाम से चीफ मिनिस्टर होता है गवर्नर नाम से चीफ मिनिस्टर होता है 60 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ब्रैकेट ऑफ आर्टिस्ट एंड स्टार्चेस आर द एग्जांपल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी आर आर्टिस्ट लाइक अ प्लांट फ्लावर्स ऑफ आर्टिस्ट फ्लावर्स होते हैं जो जेल स्टार्चेस होते हैं आपको एनिमल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं तो स्पीशीज वेरिएशन है चलिए इसको स्पीशीज डाइवर्सिटी को दिखा रहे हैं उनकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ कर्जों से
लेवल इंडिविजुअल अंदर का तो लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है वो आईसीएस की वजह से होगा सी और बी में सर क्या अंतर होगा हां सी से तो वही होगा सी से ऑप्शन सी आई से बात सो गया ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए छोटे टुकड़े हो गए तो टुकड़ों से मान के ऐसा तो है ना रिवर प्रोसेस के लिए आइस का रॉक्स में या आइस का माउंटेन के अंदर में चट्टान चला छोटा सा टुकड़े हैं सर टाइटेनियम जैसे का छोटे टुकड़े होते हैं उनके टुकड़े हैं उनका डिफरेंट मैं लॉन्ग टर्म में मुश्किल है जैसे इस ऑप्शन में जो आई स्ट्रीट होता है ये आई से धीरे धीरे वेट का लेवल इंक्रीज चल रहा है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा बस आई से वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ इफेक्ट दीजिए पर्टिकुलर एरिया से लॉन्ग टर्म इफेक्ट आई से है सो ये भी दिया ऑप्शन है आगे क्वेश्चन देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग शेड होगा कॉलम रिगार्डिंग अर्थक्वेक Velocity of the surface waves depend on the density of the material through which they traverse. चलिए जो उसकी velocity है उसके density पर depend करती है जैसे जब बढ़ता जाए density p wave की speed बढ़ती चली जाती है पता है जब p wave की speed कम के लिए होते हैं जो p wave है जैसे जैसे इंटर पड़ता जाता है speed increase की जाती है density increase होने की वजह से p wave की गति में वृद्धि होती है फिर सेकेंड ऑप्शन क्या करें और डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल द सरफेस वेव आल्सो चेंज इन डायरेक्शन डायरेक्शन तो पी वेव है डेंसिटी चेंज पर अपन दैट सरफेस में जैसा प्रॉब्लम है तो इसे पी और एस के साथ देखते हैं दैट एल वेव सिर्फ अपर सरफेस में मूव कर रहा है नहीं अब सरफेस इज इन डेंसिटी ऑफ सरफेस क्या है क्वेश्चन है सरफेस ऑफ सरफेस डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल द सरफेस वेव आल्सो चेंज इन डायरेक्शन और ये सेंटर चेंज 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 रियल वेट है नेक्स्ट क्वेश्चन मियांड्रिंग रिवर्स अक्रॉस द ऑक्स बोले एक्चुअल में क्या होता are important in terms of sedimentary rock. Correct?
graphite and niche are example of metamorphosis. Ye bhi correct hai. Graphite and niche, granite convert ka niche mein aur coal convert ka graphite mein. Coal sediment mein usse metamorphosis hota hai graphite aur granite igneous se iska metamorphosis hota hai niche. ये दोनों मेटामॉर्फिक है मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक समझ रहे इसको सेकंड स्टेटमेंट डिफरेंट लेयर आर फाउंड इन बिटवीन सेडिमेंटरी रॉक्स वेयर एज लाइक इन सेडिमेंटरी रॉक लेयर्स आर नॉट फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक ठीक है ठीक है डिफरेंट लेयर आर फाउंड इन बिटवीन सेडिमेंटरी रॉक लेयर तो पाई है दोस्तों ठीक सेडिमेंटरी रॉक लेयर आर नॉट फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक सही है मेटामॉर्फिक क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेडिमेंटरी में लेयर्स मिल रहा है करेक्ट क्वेश्चन है मेटामॉर्फिक में सेडिमेंटरी रॉक अंदर लेयर्स नहीं पाए ये कह रहा है नॉट फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक ये कह रहा है नॉट फाउंड है नॉट फाउंड कह रहा है मतलब नहीं पाए लेयरिंग से सेडिमेंटरी रॉक मिल रहा है जो मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंटरी से बनते हैं उन लेयरिंग नहीं होता उसमें तो नहीं नहीं लेयरिंग नहीं होता लेयरिंग से सेडिमेंटरी रॉक अंदर होता है लेयर बाय लेयर सेडिमेंटेशन के लेयर बाय लेयर डिपोजिशन सेडिमेंटरी रॉक का मसला मेटामॉर्फिक लेयर टेंपरेचर और प्रेशर की वजह से तो फॉर्म बच जाता है इसका ये होता है टेंपरेचर प्रेशर में टूट जाए ब्रेक कर जाए तो लेयरिंग नहीं होगा उसमें टेंपरेचर में क्या होता है सेडिमेंटरी रॉक कन्वर्ट भी होता है सेडिमेंटरी रॉक हो सकता है टेंपरेचर बढ़ने से कारण से ब्रेक करके टूट जाए टूट के किसी का फॉर्म से मार्बल बन जाता है हां लेयर से मार्बल बनता है तो मार्बल लेयरिंग को जब भी लेयरिंग है सेडिमेंटरी sedimentary rock are formed by erosion, transportation, deposition, and compression, where metamorphic rock are formed due to much heat and pressure. ठीक है? इसका आंसर none of the above. इसमें कोई भी शब्द सही है. ठीक है? ये आपको harmful element ब्लूम्स से रिलेटेड है जो एल्गी ब्लूम्स होते हैं तो डेंजरस है अपने लिए जैसे मान लीजिए कोई सी फूड्स है तो इनको यूज कर रखा है और उसको ह्यूमन की इंटेक में लेते यूज करता तो उसके नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो ब्लूम्स टर्न्स प्लेजर ऑफ द ह्यूमन बींग्स व्हेन ह्यूमन कंज्यूम मैरिड ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन सच एल्गी तो ह्यूमन को नुकसान कर रहा है तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी सी फूड्स है उसको इसलिए यूज किया और उस सी फूड्स को हमने यूज किया तो हमारे बॉडी पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है Formation of mud banks along the coast of water body is a conjunctive factors of HIVs or dispersal of toxic species through sea coast water can trigger HIV. Harmful algae blooms, they are steadily increasing in intensity in the Indian water. इसमें सभी मामलों सही है, all are correct. क्वेश्चन 72 इसको समझिए इसमें है व्हिच ऑफ व्हिच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इंटरमीडिएट इंट्रूसिव ग्रेनाइट इंटरमीडिएट ठीक है एसिडिक नेचर का सिलिका पर कर देंगे बसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक है डाइक इंटरमीडिएट सो डाइक होगा इंटरमीडिएट इंट्रूसिव रॉक है पता है जब डिफरेंट पर लेयर के बीच में जो मैग्मा डिपोजिशन हो जाता है लेयर के बीच में ऐसे स्ट्रक्चर को डाइक ये इंट्रूसिव इंटरमीडिएट रॉक होता है ग्रेनाइट जो है एसिडिक नेचर का है और बसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक है बाहरी आगे चट्टान रिवर्स को एड्रेस करना है सर इसमें इंटरमीडिएट का क्या मतलब इंटरमीडिएट सिलिका परसेंटेज है ना इट्स नॉट अ रॉक इट्स अ लैंडफॉर्म लाइक फॉर्मेशन ऑफ लाइक फनल काइंड ऑफ थिंग इट इज नॉट अ रॉक कैन यू कॉल इट अ रॉक
इंक्लूसिव लैंडफॉर्म्स एंड इंक्लूसिव नॉन-प्रोटेक्टेड इंक्लूसिव लैंडफॉर्म्स. तो फिर क्वेश्चन है व्हाट आर इग्नियस रॉक्स इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स लिंक लैंडफॉर्म है ना लैंडफॉर्म है तो रॉक इग्नियस हो ना मैग्मा का सर्टिफाइड है ना मैग्मा सर्टिफाइड तो मैग्मा का सर्टिफाइड है ना डाइक में क्या मैग्मा ही है तो मैग्मा का सर्टिफिकेशन से होता है वही डाइक इज अ लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म तो किस है रॉक्स ही है तो सर सेम इंटरनल पार्ट में इंक्लूसिव outer part of extrusive. But if you have nothing more intrusive, outer part of extrusive. Question any more than the same person? A question here. Among the following tributary of river Brahmaputra from west to east. West to east. Tista. Tista. Sankos. Subansiri. Lohit. Tista, Sankos, Subansiri. Question is west to east. Where is it? Lohit is happening. Where is Lohit river? Jaya Sadia, Assam. यहाँ पर लोही ज्वाइंट करते हैं बीएसए रिवर असम में ट्रेड करते हैं ऐसे सोल से के टेंशन से है इसको ऐसे कर दिया सोल से सुबन से वेस्ट से लेकर तो दिशा संकोस सोल से लेकर लोही थी Atlantic way.
Yes, sir. This is just happening. ये वाले ये वाले बेस सब शामिल हो जाएंगे. इसके अलावा कॉम्बो और नाइजर मैनेजमेंट मैनेजमेंट 1, 2 and 4 ऑप्शन सी. तो ये क्वेश्चन तो ये बस एक रिवर का नाम चेंज हो रहा है. बॉर्डर में रहते नाम क्या सब कैसे बॉर्डर आते इसी के लिए लोग वाल है इसी के साइड के वाल है सर वही फिर नाम क्या कैसा लगा आपको बॉर्डर बना है सर. कॉम्बो नहीं कॉम्बो नहीं है कॉम्बो जा रही है कॉम्बो पर जा रही है कि रिवर जा रही बताता है ना सिंपल वाले वही रिवर कॉम्बो सी बोलते हैं. अब इसमें ये 83 जो क्वेश्चन हमारा Which of the following is located in the Bastar regions? Indrapadi. देखिए जो डांडेली है ये कर्नाटक में. डांडेली जो है ना वाइट हॉस्पिटल कर्नाटक में. राजाजी उत्तराखंड में. बांधवगढ़ एमपी हो गया उमरिया डिस्ट्रिक्ट उसमें. और इंद्रावती इन छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़. पासेज है यदि हम साउथ वेस्ट मानते हैं तो ये पार्ट का जो स्पीड होगा
उसके जैसे फोन कर रहे हैं स्पीड कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब होगा कि ये जो स्पीड होगी यहाँ पे स्पीड अंतर होगा, उस स्पीड को मैच करने का ये होगा, हो सकता है कि थोड़ी साइड बड़ा स्पीड अधिक होगी, तो जैसे जो स्पीड यहाँ पर है यदि डायरेक्ट डिलीवरी ऐसे होती तो ये स्पीड कम होती यहाँ पर, इसका मतलब व्हीलमेंट जो है ये स्पीड और ये स्पीड में एक्सेलरेशन की स्पीड में डिफरेंस है, जिस स्पीड में यहाँ मूव कर गए इस जगह पर पहुंचे हैं तो स्पीड उसके बराबर आएगी, तो सब स्पीड को मैच करेंगे आगे बढ़ोगे अपने इक्वल मैच में, इसलिए बोले जो है लेफ्ट साइड में नॉर्थ साइड से डायरेक्ट करती है जब यहाँ पर राइट साइड में पड़ जाती है, अपनी स्पीड को मेंटेन करके पाने के लेकिन सात किलोमीटर से छोटा डिफरेंस होता है, इसी कारण में अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिए, अब बोथ वेज में अलग अलग डायरेक्शन आ गए, इसी को कोरिलेशन स्पीड किया गया, समझ में आया, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन हमारा क्या पता होगा, अच्छा ये मुझे लगा क्वेश्चन तो बोल रहा हूँ इतनी तेजी बोल रहा हूँ, इसको रोटेशन ऑफ अर्थ सजेस्ट हो मैंने इस रोटेशन ऑफ अर्थ की इसकी रोटेशन डेवलप होती है सजेस्ट इसको, तो जो विंड कभी ना विंड डाइवर्ट हो रही है रोटेशन की स्पीड में डिफरेंस नहीं हुए से डेवलप होती है, नॉर्थ साइड में नॉर्थ डायरेक्शन में जो विंड होती है ये आपको राइट हैंड मोड दे और नॉर्थ साउथ में लेफ्ट हैंड टर्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द आई ऑफ साइक्लोन, देखिए साइक्लोन का जो आई होता है वो आपको एक वहां पर क्लियर स्काई होता है और टेम्परेचर सबसे कम होगा लोएस्ट टेम्परेचर होगा और क्लियर स्काई होती है उस पार्ट में, रेनफॉल नहीं होता है, आई है शांत चल रहा होता है, प्रेशर का क्या होता है प्रेशर हाई होता है, आई पे प्रेशर हाई होता है, आई पे प्रेशर इन क्या स्टेटस होता है, आई प्रेशर की कंडीशन हाई पे कभी तो वहां पर रेनफॉल होगा ना, हाई प्रेशर में रेनफॉल होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन देखिएगा तो सी ऑप्शन पर क्लियर स्काई लोएस्ट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन स्वाइन रीजन से रोड पे स्वाइन रीजन से लोग डिफरेंशिएशन तो वगैरह ऐसे ऐसे लोग भी इसमें माइंड चुका सर स्वाइन रीजन में मूव करते हैं, तो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग चार्ट माउंटेन स्वाइन एसिडी एंड हाइब्रिड सिंगल्स, वैली ऑफ फ्लावर
in Uttarakhand. Okay. In SQL interview, includes me. And that is very low. Second, Nokrek. Nokrek. Meghalaya. Third, Sundar. Ban. Vishnagar. Simli. Pal. Odisha. Simli Pal, Odisha. Punch Mari MP Achkan Mar Amar Kanta MP Chhattisgarh Police Nilgiri Karnataka Kerala Tamil Nadu. Oldest bachelor in degree. Oldest bachelor of India. Nilgiri. Gulf of Mannar. Tamil Nadu. Largest bachelor in degree. Gulf of Mannar. Great Nicobar Island. Great Nicobar Island. In Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar. Take it. Great Nicobar, Island, Andaman, and Nicobar. I was not like Kerala. The latest at 2016 is also mentioned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A total 10 in a student total part out of 18. Okay? The option they give, you know, some of these. Yes, 45 minutes.
झारखंड प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन्स में कृष्णा जी हुई है महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश पिंडा जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु वेरी तमिलनाडु Outcome is the statement wrong. This can be neither one or not two.
एक्सरसाइज सिस्टम ग्लोबल रिटर्न और रिटर्न पर सेफ ट्रांसफर और ये हमारा एडवेंस किया अभी वहां खड़ा ओके फिर ये बैंक के क्वेश्चन सॉरी मैम ये वाला तो कैसे इस क्वेश्चन को क्या करना है तो ये इस डिस्कशन का बेनिफिट ये होता है कि जैसे आप क्वेश्चन को देखिएगा फिर दोबारा जब पढ़िएगा फिर देखिएगा तो आपके सामने ऑप्शंस क्यों हैं नहीं हैं कैसे सब्जेक्ट हो जाएगा तो आपके रिकॉल कर पाना रिवाइज कर पाना आसान होता है तो इसके लिए फायदा ये है कि जैसे लाइव है लाइव होने के बेनिफिट ये आपको कि कभी भी फ्यूचर में जो देख सकते हो